सज्जनों और देवियों, पानी के बुलबुले की तरह ही जिंदगानी, कोई किसी के साथ ना होगा, आपका कोई नहीं है। इन बातों को आदमी सुनता है, जानता भी है, मन की वैसी दशा निरंतर क्यों नहीं रहती है। सबका अनुभव है ऐसा। एक जर्मन लड़की मिली, पुरानी घटना है, शायद 76 की, सन 1976 की, मैं बनारस में था। जर्मन लड़की, जब मैंने कुछ वैराग की बातें कही तो उसने कहा, महाराज ऐसा हरदम मन में रहता नहीं, कहीं का भी मनुष्य हो, सबका अनुभव वही है, हरदम मन में रहता नहीं है, क्यों नहीं रहता है? कमाई नहीं की जाती है। कमाई, आध्यात्मिक कमाई की जाए तो हरदम मन में रहेगा। अध्यात्म की पूर्ण स्थिति हर समय तभी रह सकती है जब ये बात हर समय मन में रहे कि कुछ मेरा नहीं। हम आसपास के लोगों को देखते हैं, उनमें से कई मर गए। तार आता है, फोन आता है, पत्र आता है, निमंत्रण आता है, संदेश आता है। एक वृद्ध सज्जन थे, 86 वर्ष के, तो कुछ अस्वस्थ हुए, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि जांच किया, कहा कोई रोग नहीं, दुर्बलता है, वृद्धता है, दवाई वाई दी, लौट आए। उनके मित्र सुने, वे भी वृद्ध थे, तो अपने साथियों से कहे कि जरा ले चलो उनको, मैं देख लो, वो अस्वस्थ है। तो मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले चल रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे उनका शरीर छूट गया। अब लाश लेकर के लौट आए, जब ये सुने जो पहले अस्वस्थ थे कि वो मर गए, तो कहे भाई मैं तो अस्वस्थ भले हूँ लेकिन कोई रोग नहीं है, वो मित्र हमें देखने आते थे तो कम से कम उनके दाह संस्कार में तो चले चले, तो गाड़ी बैठे लेके चले, तो वहाँ पहुँचे तो दाह उनका हो गया था, तो लौटा लाए, घर में आए, कुछ खाए, कुल्ला करने लगे, कह देखो तो मेरे मुख से खून निकल रहा है लगता है, तो देखे हाँ निकल तो रहा है, कुल्ला कर रहे हैं, खून निकल रहा है, ऐसे से कहते रहे बस सर छुट गए। एक सज्जन गुजरात के अमेरिका जा रहे थे, हवाई जहाज पर बैठने के लिए जब जीना से चढ़ रहे थे निशेनी से, बीच में हार्ट अटैक हो गया, तो लोग उतार लाए और लौटा लाए कि जाना ठीक नहीं। अमेरिका में उनका एक मित्र रहता था जो हार्ट का ही स्पेशल डॉक्टर था, वो अमेरिका से ही कर जा, मैं आता हूँ इंडिया, अपने मित्र को लाता हूँ। वो सोचा मैं हार्ट का विशेषज्ञ हूँ, उनकी दवाई करूँगा, लाऊंगा। आया, बम्बई उतरा, एसी कार में चल रहा था बड़ौदा की तरफ के लिए, बस कार में बैठे बैठे हार्ट फेल हो गए, मर गए। कैसा संसार है, तो देखा सुना है आदमी सब याद करता है, ये घटनाएं निरंतर सब तरफ घट रही है। हम देखते हैं हमारे स्वजनों की मृत्यु हो जाती है और सदा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, तो ये याद क्यों नहीं रहती है हर समय? क्योंकि ऐसी साधना नहीं करते हैं, कभी सुन लिए थोड़ा बस बराबर,
कहीं ग्रंथ पढ़े, कितने लोग तो सदग्रंथ पढ़ते भी नहीं, कोई कोई पढ़ लिया कभी थोड़ा सा ख्याल आ गया बस फिर भूल गए। जब आदमी के मन में विरह भावना हो और डट पड़े तब काम होता है। समर्पण के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। दुकान अगर आप करते हैं, दुकान में समर्पित हो जाएं, सुबह से शाम तक ड्यूटी से बैठें, दुकान की सफाई रखें, ताना बाना ठीक रखें, ग्राहकों से मिष्ट भाषण करें, किसी को धोखा न दें, उचित मुनाफा लें, मेहनत करें, मिट्टी की दुकान होगी तो सोने की हो जाएगी। और सोने की दुकान आप करो, समर्पित न हो, ठीक से काम न करो, तो सोने की दुकान मिट्टी बन जाएगी। पत्नी पत्नी को पित नहीं, आनंद नहीं, कपड़े कुछ भी अंग से पति को पत्नी से, तो कटुता बनी रहेगी। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, भोग के लिए नहीं, व्यवहार निपटाने के लिए। खेती में कोई समर्पित नहीं है किसान, गोबर माटी को डरता, ठंडी गर्मी को डरता है, कुछ नहीं कर पाए। समर्पित हो तब फसल होगी। विद्या में, राजनीति में, चाहे जो हो, राजनीति भी एक धंधा है, एक काम है। आदमी को समर्पित होना चाहिए। सबसे बड़ा काम है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का अर्थ है दुखी न होना। जो दुखी नहीं होता है वो कल्याण प्राप्त है। दुखी न होना सबसे बड़ी बात है। आत्मकल्याण है दुख से अतीत मन। कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई संताप नहीं, ये अवस्था कल्याण की है। ये एक लागे नहीं होती, धीरे धीरे होती है। जो डट पड़ता है, करता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। यही काम सरल है और कुछ सरल नहीं। जवानी को हम बनाए नहीं रख सकते हैं, स्वजनों के मन को अपने अधीन नहीं किए रख सकते हैं। कोई भी परिस्थिति को हम बरकरार नहीं रख सकते। सब चंचल है, निरंतर पानी की तरह बह रहा है। एक काम में हम सुबह हैं, अपने मन को दुनिया से छुड़ा के अंतर्मुख कर लें और परम शांति में जिए, इसमें हम सुबह हैं। इसमें अपने ही को रगड़ना है और कुछ नहीं, किसी को नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा है, बाजन दे बाजन तरी तू कल कुकुही मत छेर, तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर। बाजन दे बाजंतरी, बाजंतरी बकवास करने वालों को, बाजन दे बकबक करने दे, तू कल कुकुही मत छेर। कल कुकुही, कल नाम कमजोर, धीमा मीठा, कलरव का मतलब है मीठा मीठा स्वर। तो कल का अर्थ होता है कमजोर। कुकुही बन मुर्गी, तू कल कुकुही मत छेर। तू अपने कमजोर स्वर को उसमें क्या छेड़ता है? कोई यहां नगाड़ा बजावे जोर से भड़बड़ भड़बड़, अब आप कोई धीमी आवाज से उसको दबाना चाहे कैसे दबाएगा? बकबक करने वाले बकबक करने दो, अपना मन समेट लो। तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निवेर। तुम्हें दूसरे से क्या मतलब है? अपना अपने आप निवेर, अपनी आप निवेर नहीं, अपने आप का निवेरा करो, छुटकारा करो। लड़के ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, माताहत ने कह दिया, अफसर ने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसका विचार है, जो समझा कह दिया।
उसमें दुखी क्यों होते हो? किसी ने आपका तिरस्कार कर दिया, जैसा वो समझा कर दिया, क्यों आप दुखी हो? किसका तिरस्कार हुआ? देह में अपने को जोड़ करके हम बहुत दुखी रहते हैं। देह उसके नाम रूप इसी को सत माने रहते हैं। नाम झूठा, रूप झूठा, सारा सम्मान अपमान इस हड्डी के ढांचे तक है। हड्डी का एक कंकाल है, मल मांस भरा है, रक्त बहता है, चाम लपेटा है गीला गीला, एक गंदा शरीर, इसी तक सम्मान अपमान है। आप तक सम्मान अपमान नहीं पहुंच सकता है। अपने निरालापन को समझो, आप शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध चेतन। अपने तरफ लौटो, तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर। व्यवहार का काम जो है कर लो और अपने आप के निबेरा में लगे रहो। समय किसी को कम नहीं है। हम कहां अपना समय लगाते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। समय की कमी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास और चपरासी के पास 24 घंटे दोनों के पास है। प्रकृति के तरफ जो कुछ है वह प्रकृति के तरफ से जो कुछ भी है उसमें पक्षपात नहीं है। सूरज किसका है? ब्राह्मणों का चलता तो सूरज को ब्राह्मण लोग अपने तरफ रखते, दूसरे तरफ न रहने देते। पंडित लोग आज भी कहते हैं कि वेदों में अधिकार शूद्रों का नहीं और स्त्रियों का नहीं, शूद्रों का नहीं और स्त्रियों का भी नहीं है। तिवारी का है, तिवराइन का नहीं है। तिवारी वेद पढ़े, तिवराइन न पढ़े। आधी मुर्गी काट के खाना चाहते और आधी अंडा देगी, जबकि एक दर्जन से अधिक वेद मंत्रों की रचयिता स्त्रियां हैं। गार्गी प्रसिद्ध है, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य को हिला दिया था जनक की सभा में प्रश्न करके, ब्रह्मवादिनी थी। ये सबसे आंखें नीच लेते हैं पंडित लोग। पंडित लोग क्या सन्यासी लोग मीट लेते हैं? जो सब छोड़ छाड़ करके विरक्त हो गए हैं वे भी नहीं समझ पाते। शूद्र कहे जाने वाले लोगों के मंत्र हैं बनाए हुए वेदों में। जो मंत्र वेद का बना सकता है पढ़ क्यों नहीं सकता है? वो वर्ग ग्रंथ मानव मात्र के लिए है, सबके लिए है। तो बड़ी बड़ी राजनीति है। अभी एक दिन हमसे सज्जन ने पूछा था, एक पंडित थे, कहे महाराज आजकल जो ये है जो विशेष आरक्षण, इस पर आपका क्या विचार है? मैंने कहा आरक्षण भारत आजाद होने के बाद जो हुआ वो जरूरी थी, लेकिन पीछे तो राजनीति को हो गया है। जो असहाय असमर्थ गरीब तबका है उनको उठाने के लिए आरक्षण था, अब तो राजनीति उसमें हो गई है। फिर मैंने कहा आरक्षण सब समय था, अब आरक्षण में ज्यादा राजनीति सब समय रही। तब मैंने उनको याद दिलाया, वही भी पढ़े लिखे थे। मैंने कहा स्मृत ग्रंथों में लिखा है कि जिस पाप से शूद्र को फांसी दी जाए वही पाप ब्राह्मण करे तो साफ छूट जाए। इतना साफ आरक्षण। शूद्र के घर में धन है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और धन की जरूरत है, तो बिना पूछे उसके धन को उठा लावे, क्योंकि सारा धन ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण के सामने शूद्र जूता पहन के नया हो, अच्छा कपड़ा पहन के नया हो, और थोड़े नहीं बहुत हो का समय कह करके समय क्या बर्बाद करूं? शूद्र लोग अपना नाम जुगुप्सित रखें, लतखोर, खुरवारा, गुहा, झग्गर, झाड़ू, ऐसा सा नाम शूद्र लोग रखें जिससे जान जाए भाई शूद्र है ब्राह्मण नहीं। नाम अशुभ रखा है, जुगुप्सित गंदा नाम।
इतना आरक्षण था कि वो सब आरक्षण आज रखा जाए तो दिमाग खराब हो जाए, फिर बेचारे बहुत उड़ जाए हो। तो राजनीति आ जाती है, प्रकृति की सारी चीजें सबके लिए सुलभ है। हवा किसके लिए? सबके लिए। सूरज सबके लिए, चांद सबके लिए, समुद्र सबके लिए, जमीन सबके लिए, सबकी जमीन है, सभी भूम गोपाल के। लेकिन आदमी इतना संकुचित हो गया है कि वो अपने स्वरूप को भूल गया। 24 घंटा का समय सबके लिए है। कौन कहाँ लगाता है उस पर निर्भर करता है। अपने समय का पूरा नियोजन कर दो साधना में, देखोगे कितना अंतर पड़ेगा। अपने व्यवहार का काम करो, टट्टी घर साफ करने का काम हो करो, मेहतर का काम बुरा नहीं है। जो हाथ से टट्टी वाली जगह को साफ कर दे वो गंदा हो गया, और पेट में टट्टी भरा रहा हो, सबके पेट में टट्टी है, पेशाब है, और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। कौन ब्राह्मण नहीं है, कौन मेहतर नहीं है, सब मेहतर हैं, सब ब्राह्मण हैं। इतनी सीधी सादी बात लोग नहीं समझ पाते हैं। एक वर्ग को छूत कहते हैं। तो समय सबके लिए है बराबर, 24 घंटे दिन रात में। उसमें आप कहाँ लगाना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले जो कल्याण चाहे, कल्याण का मतलब शांत, गहरी शांत, भय रहित शांत, परम सुख में हरदम जीना चाहे, मन में क्लेश ना हो, भय ना हो, पीड़ा ना हो, संताप ना हो, हर समय परम आनंद, परम शांत, ऐसा जो चाहे भोग सुख का, वो दूसरे को न देखे कि कौन कैसा क्या करता है, दूसरे जो बन सके सेवा कर दे, सहायता कर दे, ठीक है, लेकिन दूसरे की निंदा, बुराई, कौन क्या करता है, दोष पर दोष देखना, इसमें समय बर्बाद न करे। अपने को देखे, निरंतर अपने को देखे। प्रशंसा और निंदा करने वाले जो हमारे हैं उनको दृष्टि न ले जाए। मेरा सम्मान करने वाले हैं उनसे मोह न करे, मेरा विरोध करने वाले भी हैं उनका भी, उनसे वैर न करे। सब झूठ है। आज से 10 वर्ष पूर्व मुझसे वैर और प्रेम करने वाले थे, वो झूठ हो गया। आज से 50 वर्ष पूर्व मेरा विरोध करने वाले थे, वो प्रेम करने वाले, वो सब झूठ हो गए। कल जो ऐसा किए थे वो झूठ हो गया। सब समय झूठ होता चला जाता है। ये दृश्य प्रपंच जो सामने मिलता है सब झूठ हो जाता है। ऐसे झूठे में अपने मन को न चिपकावे, अपने मन को सबसे अनासक्त कर ले, वास्तविकता को देखे कि हमारे साथ कुछ नहीं है। हमारा मन अगर प्रेमी और बैरी में अटका रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। ज्ञान झाड़ते रहें, रह जाएंगे वैसे को वैसे। और प्रेमी बैरी जीवन में सबके रहते हैं, कौन बचा है? अयोध्या में चारों तरफ गूंज हो गई थी कि सीता को राम ने रख लिया, बहुत गलत किया। रावण के घर में इतने दिन 20-21 महीने रही, 22 महीने तक, और फिर सीता को अपनी पत्नी बना लिया, तो हम लोगों की क्या दशा होगी? पूरी अयोध्या में इसकी गूंज हो गई। इससे राम उदास हो गए। भद्र नाम के मित्र से पूछा उन्होंने, मेरे लिए क्या चर्चा है? सब प्रशंसा किए, आपकी सब चर्चा अच्छी, कही देखो अच्छी बताए, लेकिन अगर बुरी चर्चा वही बताओ जिसे हम सुधारें। तब भद्र मित्र ने कहा, भद्र नाम के मित्र ने कहा कि आपकी चर्चा ये बहुत खराब है कि सीता को फिर से रख ली, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ।
और उन्होंने सीता को जंगल में छुड़वा दिया। अब वो गलत किए कि सही किए तो अलग विषय है, लेकिन अयोध्यावासी श्री सीताराम के जीवन काल में उनको नहीं समझ सके। जब वे नहीं रहे तब आज सीताराम सीताराम अयोध्या में जपा जा रहा है। ये संसार मुए की बाजी ढोल, कबीर साहब ने कहा है, मर जाने के बाद ढोल बजता है, जीते जीते आदर होना बड़ा मुश्किल है। इतने बड़े बड़े लोगों का दुनिया में अनादर हुआ है, हमें ये अहंकार क्यों है कि हमें लोग गलत कैसे कह दिए? इतने बड़े आप आदमी हैं कि आपको गलत कोई ना कहे? अपने को मान लेना चाहिए कि मैं सबसे तुच्छ हूं, खूब गलत कहे हमें। हाँ, ऐसा मानसिक रोग न लगे कि मैं तुच्छ हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे छोटा हूं, सबसे नीचा, और सब लोग हमारी बुराई करने का अधिकारी हैं, कोई अड़चन नहीं, वीर बनो। निंदा और प्रशंसा से जो ऊपर उठ नहीं सकता उसकी साधना ठीक नहीं चल सकती है। वो अपनी निंदा और प्रशंसा ही में चित्त घूमा करेगा। किसी ने हमारा समर्थन किया, आदर किया, उसके पुलकाव में मन चला करेगा, और किसी ने हमारी निंदा की, तिरस्कार किया, उसके विरोध की प्रतिक्रिया में मन घूमा करेगा। अभी राजस्थान में था तो एक कार्यक्रम में प्रवचन खत्म हुआ जब, तो लोग मिलने जुलने लगे। हर जगह पर ऐसा होता है, प्रवचन के बाद मिलते हैं कुछ लोग। तो एक सज्जन कोई 50 वर्ष के, कहे महाराज मेरा भाई मेरी थोड़ी जमीन दबा के रखा है, तो मुझे चैन नहीं आता है, और चित्त में बारम्बार वही आता है। मैंने कहा जमीन कितनी? कहे थोड़ी है। तो मैंने कहा उसके बिना आपको कोई परेशानी? कहे परेशानी कुछ नहीं है। कहे तो ये याद करो कि मेरा प्यारा भाई है, और वो जमीन मेरे प्यारे भाई के पास है, मुझे बड़ी खुशी है, मन थोड़ा बदलो बस चैन आ जाएगा। तो हंसने लगे, कहे महाराज अब ऐसे करूँगा, मुझे चैन नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे करूँ, कैसे सोचूं। मैंने कहा पूरी जीवन व्यर्थ तो उसी पर टिकी होती तब तो बात अलग थी, थोड़ी जमीन है, अपना भाई दबाए है, सोच लो मेरा प्यारा भाई, मेरे पास वो जमीन है, मेरे भाई के पास बहुत बढ़िया है, बस तनाव खत्म हो जाएगा। तनिक तनिक बात को लेकर के आदमी बेचैन रहता, नींद नहीं आती है, मन के रोग से सब पीड़ित हैं, नींद नहीं आती है, शांति नहीं मिलती, दुनिया उपद्रव का घर है। एक दिन कानून उठा लिया जाए तो झोली लेके चलना असंभव है। इंदिरा गांधी का जब हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो उपद्रव हुआ था एक वर्ग पर, उस वर्ग वाले बिचारे हर जगह पिसे, निरपराध। उस समय मैं देखा था, काशी गया था, लौटा था, तो एक झूसी से हो 2-3 घंटे तो बीच में रुकना पड़ा। फिर रामबाग में जब उतरे हम लोग, गाड़ी रुकी तो रक्षा वाले बहुत पैसा मांगे। तो हम कहे भाई इतना क्यों मांगते हो? कहे महाराज देखिए वो आग धुआं खतरा है। हम कहे अच्छा ये बात। बैठा तो पुलिस बीच में मेरे, कहे महाराज बहुत खतरम चल रहे हैं आप। हम कहे अब क्या करें, बाहर से आए हैं, यही हमारा आश्रम है, तो सिविल लाइन्स होके जाइए। तो जगह जगह देखो कि इतना कपड़ा कोई कांख में लेकर के दौड़ रहा है, भाग रहा है, दुकान से छीन लिया है, पुलिस भी जाने दे रही है। अब उस समय ऐसा ढील हो गया था, जहां देखो आग लगा रहे हैं, जहां देखो दुकान लूट रहे हैं, क्योंकि ढीला हो गया था। एक दिन कानून उठा ले, सरकार घोषणा कर दे कि अगले 21 तारीख को 24 घंटा कोई कानून नहीं, देखो मुश्किल हो जाएगा जीना। ये संसार है,
सब ऐसे नहीं है, लेकिन थोड़े उपद्रवी सबको परेशान कर देते हैं। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं, इसमें रह करके आप प्रतिक्रिया में रहेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। प्रतिक्रिया में क्यों रहते हैं, रिएक्शन में क्यों रहते हैं? अहंकार, अहंकार आसक्ति का पर्दा, पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा। हम समझते हैं हमारा अहंकार कट गया है और फिर पतला सा अहंकार रहता है। आसक्ति कट गई लेकिन फिर आसक्ति रहती है। अगर खटकता है दिमाग, उद्वेगित होता है, यही लक्षण है कि आसक्ति है, अहंकार है। पूरा अहंकार फट जाता है जब कुछ खटक नहीं, कोई कुछ कहे, कोई बात जैसी भी स्थित हो, कुछ रहने वाला नहीं है। क्या रहने वाला है? अभी कोई व्यक्ति आया है, हमारा हाथ पकड़ झिटके नीचे बैठो तो बड़ा बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा, लेकिन कितने छड़का है, नीचे बैठ जाऊंगे, खत्म हो गया, बस सब उठ के चले जाएंगे। आखिर इससे तो उतरना है ही है, तो क्या हो गया? अपने मन को ऐसा बनाना चाहिए कि अपने निंदक और प्रशंसक की प्रतिक्रिया में मन न लगे। प्रशंसक की प्रतिक्रिया में पुलकाव होता है, वो भी भजन में बाधा है। अनुकूल अनुकूल लोग हैं, उन्हीं की याद, और उन्हीं की याद में मन पुलका पुलका। तो पुलकित मन, दुनियादारी चीजों में पुलकित मन अंतर्मुख नहीं होगा। और प्रतिकूल लोगों की प्रतिक्रिया में चित्त उलझा है, द्वेष से भरा चित्त जल रहा है, ऐसा मन स्वरूप स्थित में नहीं लगेगा। जब दोनों को रगड़ के फेंक दे, अनुकूल प्रतिकूल वेदना को सम कर दे, तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आपने वेर, कोई क्या कर रहा है, अपने बना रहा है कि बिगाड़ रहा है, जैसा उसका विचार, हमें क्या चिंता। जहां बन सके सुधार की बात कह दो, किस पर किसका अधिकार है। बड़े बड़े जीवन मुक्त पुरुष अपने सब शिष्यों को उपदेश नहीं दे सके। बड़े बड़े जीवन मुक्तों मुक्त पुरुष के शिष्य हुए हैं जो उनके विरोधी हुए हैं। तथागत बुद्ध का विरोधी, देवदत्त उनका शिष्य, जीवन भर विरोध में पड़ा रहा, अंत में खून गिरने लगा और मर गया। महावीर स्वामी का एक शिष्य विरोध में रहा, कबीर साहब के ऊपर 52 कसनियों की बात जो आती है विरोध की है। गोस्वामी जी बेचारे सीधे साधे संत, काशी में इतना तिरस्कार पाए हैं कि हद है। ब्राह्मण लोग उनको हरदम धकिया ही रहते थे। ये संसार कैसा गजब है, अपने अहंकार को मर्दित किए बिना कोई अंतर्मुख नहीं हो सकता है। हमारा अहंकार फनफनाता है और जरा सा प्रतिकूल सह नहीं मिलता है, तो ऐसे साधना बनेगी? जो अपने मन को मार डाले, रगड़ करके पीस डाले, वो शांति पाएगा। वितर्क रहित मन, प्रतिक्रिया रहित मन, रिएक्शन लेस मन गहरी शांति में जाएगा। और फिर इसके लिए निरंतर लगन। किसी युवती को जब पहला उठा बच्चा होता है, हरदम उसका मन उसी में लगा रहता है। कहीं अलग वो काम करती तो भी उसका मन उसी बच्चे में लगा रहता है। गायें हैं वो बच्चा पैदा करती हैं, वो उसमें अनुरागी होती हैं। अपने नवजात बच्चों के पास किसी काने देखते ही वो मारने दौड़ते हैं। इस ढंग का अनुराग जिसको होगा आत्मज्ञान में, आत्म साधना में, उसको दर्शाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आधा तिहाई जान करके चर्चक विषय बन जाएगा ज्ञान, आत्मज्ञान, सदाचार पालन होगा, कुछ कुछ शांति रहेगी। लेकिन जो दशा चाहिए, क्लेश रहित चित्त सब समय, निरांत निर्भय निश्चिंत, जीना मरना बराबर,
कुछ नहीं, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। इंद्री से प्रतीत मान सब कुछ झूठ अंत में हो जाता है। मन से, मन के द्वार से हम ये सब देख रहे हैं, मन के छेद से संसार को। मन का छेद बंद हुआ, संसार अदृश्य। गाढ़ी नींद में मन का छेद बंद हो जाता है, सुसुप्त हो जाती है, सारा संसार भूल गया। ये सारा संसार जो हमारे सामने उपस्थित है, मेरे स्वरूप में नहीं है। मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन आत्मा मात्र है। ये सारा प्रपंच मन द्वारा प्रतीत है और उसी में हम उलझे हैं, न लेना न देना कुछ नहीं। बड़े चौधरी हम बनते हैं, इतनी चीजों के मालिक हैं। गृहस्थ लोग बनते हैं, हमारे ये है, वो है, वो है। हम मठाधीश भी, मठाधीश हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, विश्व गुरु और ब्रह्मांड गुरु भी हैं। बेकार की बात, कुछ नहीं। नैना नास्ति किंचन, ये सब कुछ किंचित भी नहीं है आत्मा में। आत्मा शुद्ध निर्मल है, आप में कुछ नहीं। हम नाम और रूप और गुण और स्वभाव और भौतिक उपलब्धियां, ये सब में अपने चित्त को घुमाते रहते हैं। एक शरीर है जो हाड़ मांस का ढांचा, लोथ, इसमें मन और इसके नाम में मन, इसमें गुण है, स्वभाव है, अच्छाइयां हैं, उसमें उसका अहंकार, जो कुछ जुड़ा है इससे, घर द्वार, मठ मंदिर, चेला शिष्य, पुत्र पुत्री, गृहस्थ विरक्त, कोई भी हो, कानून सब पर बराबर है। साधु महात्मा वेश धर करके कोई विरक्त मन से ना होगा तो मोक्ष थोड़ा हो जाएगा। कोई धोती कपड़े में हो, मन विरक्त हो जाए तो मुक्त हो सकता है। ये बाहर का कपड़ा काम नहीं आएगा। नखरा बनाए राम न मिले हैं, कबीर साहब ने कहा है, नखरा बनाए राम नहीं मिलेंगे। नखरेबाजी छोड़ो, सारी आसक्ति ध्वंस होने पर वो दशा आती है और उसके लिए लोग काम नहीं करते हैं, अधूरा काम करते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे साधक क्लेश में कहते हैं, जो चाहिए वो दशा नहीं आई, जैसा मन चाहिए रहना वैसा नहीं रहता, पूरा का पूरा नहीं रहता, ऐसा उनको क्लेश होता है। किसका दोष है? उन्हीं का दोष है, कोई दूसरा कर देगा? कोई भगवान करने वाला नहीं, कोई परमात्मा नहीं आपका उद्धार करके चला जाए। धर्म के मार्ग में भी घुट्टी खूब पिलाई गई है, इतना नाम जप लो व्यापार हो जाए, इतना इतना सस्ता नुस्खा, प्रयाग में तो मुंडन करा लो बस, कहीं ना तीर्थ जाना है ना कोई काम करना है, केवल मुंडन करा लो तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आज हमने मुंडन करा लिया है। मुंडन तो कराया, कराने लायक था इसलिए। इसके लिए नहीं, ये तो विनोद मैंने किया, इतना लिख डाला है। और पंडित लिखने वाले संस्कृत के विद्वान थे, तो संस्कृत पढ़ने से कोई बड़ा हो जाता है? संस्कृत में तो एक बकवास भरी हुई है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। बाम मार्ग ने लिखा, पियो पियो शराब, खूब पियो जब तक जमीन पर न गिर जाओ। पांच बार शराब पी के जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो संस्कृत एक भाषा है, उसमें गाली आप लिख सकते हो, आशीर्वाद लिख सकते हो, वैराग की बात, राग की बात, श्रृंगार रस तो संस्कृत साहित्य में इतना है। कालिदास उच्च कोट के कवि, काव्य शक्ति इतनी अद्भुत कि क्या पूछना है, श्रृंगार रस से भरा है उनका ग्रंथ। तो भाषा कुछ काम नहीं करेगी, सस्ता उसका बहुत बांटा गया है। अपने को संभालो, समय निकालो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो, रगट डालो मन को, जम करके लग जाओ, देखो थोड़े दिन में कितना अंतर हो जाएगा।
कोई विरह भावना से लगे तो विरह भावना से लगते ही नहीं लोग, और चाहते हैं फल मिल जाए। कैसे फल मिल जाएगा, कौन दे देगा? न कोई परमात्मा मोक्ष देने वाला है, न कोई देवता। सदगुरु बेचारे मोक्ष क्या देंगे, सदगुरु रास्ता बताएंगे। सदगुरु स्वयं अपने को मुक्त कर सकते हैं, उनको आप समझ पाए तो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने अभी कहा था कि जीवन मुक्तों को लोग नहीं समझ सके हैं। अनेक उलझने हैं, अनेक पर्दे हैं, उन सब को काटना होगा। निवेदन यही है कि व्यवहार से अपना समय निकाल करके अध्ययन ध्यान चिंतन में लगो, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा हो। ऐसे ग्रंथों का मनन चिंतन करो, अध्ययन करो, फिर उस पर मनन करो। श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार, ये चार क्रम कहा गया, श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार। श्रवण का पहले महत्व, किताब उताब नहीं होती थी, गुरु अपना बोध विचार शिष्य को बता देता था, शिष्य सुन लेता था और काम करता था। इसलिए श्रवण पर जोर था। बहुश्रुत इसलिए कहा जाता, बहुत ज्ञानी को बहुश्रुत कहा जाता। आज भी आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञानी को बहुश्रुत कहा जाता, बहुत पठित नहीं कहा जाता, बहुत पढ़े हैं, बहुश्रुत है, पुराना संस्कार है, सुना जाता था। इसलिए श्रवण कहा गया, गुरु के वचन सुनना, फिर मनन उसको सोचना, फिर निधिध्यासन, निजध्यासन आत्मचिंतन निधिध्यासन है। सबसे अपने को अलग करके अपने आप में, अपने आप के विचार में रहना, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल असंग अकेला हूं, इस प्रकार चिंतन, गहरा चिंतन अपने आत्मा के विषय में निधिध्यासन है। और साक्षात्कार कहो या संकल्प शून्य अवस्था कहो या कैवल्य दशा कहो, अद्वैत स्थित कहो, सहज समाधि कहो, भाषा अलग अलग है, हक भी नहीं कहो, बात एक है। जब कुछ नहीं सोचा जाता है, शांत, सोचना एकदम बंद, सोचने से संसार उपस्थित होता है, सोचना बंद हुआ संसार अनुपस्थित हो गया, तो शेष स्वयं शिव तत्व आ गया, आत्म तत्व। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञया। ये मांडूक उपनिषद के एक लंबे गद्य मंत्र में अंतिम अंश है। प्रपंच का उपशमन हो गया, यानी मन संकल्प शून्य हो गया, तो शिवम, शिवत्व का उद्घाटन हो गया। चतुर्थम मन्यन्ते, ये जागृत स्वप्न सुसुप्त से चौथी अवस्था ऊपर की है ज्ञान की। सब गया है ये जानने योग्य है। वो अवस्था हमारी जब कोई संकल्प नहीं, अपने आप में शांत है, ये अवस्था क्लेश रहित है। और इसी का अभ्यास खूब बढ़ाओ, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, साक्षात, ही साक्षात्कार है। संकल्प शून्य हो गया, शेष रह गया, तब अपने का होश हुआ। आप एक ऊपरी तल्ले के कमरे में बैठे हैं, नीचे सड़क है, झांकी से आप देख रहे हैं सड़क पर जाते हुए लोगों को, झांकी बंद कर दी, सड़क के लोग दिखाई देते थे, अदृश्य हो गए। इस शरीर में मन झरोखा है, इससे हम संसार को देख रहे हैं। मन झरोखा को बंद कर दो, संसार अदृश्य, फिर अपना आप रह गया। एक कूड़ा कबाड़ संसार, माटी गोबर, हड्डी गुड्डी की ढेर, मिट्टी पत्थर, जहां कहां कहां है, भाएं भाएं, हल्ला गुल्ला, मार पीट, लूट खसोट, बेईमानी, बदमाशी, सारा विकार है। स्मरण शांत हुआ, सब भूल गया, तो स्वयं शेष तत्व रह गया। इसी को साहेब ने सहज समाधि कही, इसी को वेदांतियों ने अद्वैत कहा है, सांख्यों और योगियों ने कैवल्य कहा है।
सांख्यवादी ने असंग कहा, योगी और जैनी कैवल्य कहे, सूफियों ने हकबीनी कही है। भाषा अलग अलग, बात एक है। मन शांत हो गया, बस परमानंद परम सुख। ये काम करने का आप पूर्ण अधिकारी हैं, स्वस्थ हैं। जमो इसके लिए लगो सब, अपनी अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार। जो एकदम नए हैं तो इस बात को सुने समझे सोचे, ये चीज होती है, फिर अभ्यास बढ़ेगा। जो समझे हैं वो जम के लगे। मैंने पहले कहा था, समर्पित हुए बिना किसी दिशा में उन्नत नहीं होती। तुझे बिरानी क्या पड़ी, तू अपनी आपने फिर कहने दो। आपको आपकी कोई निंदा करता प्रशंसा करता, करने दो। निंदा करने वाले प्रशंसा करने वाले दोनों मर जाए, वो आपका शरीर भी मर जाएगा। कहाँ क्या रहने वाला है। ये इस उलझन में समय न बिताओ, सब तरफ से सिमट जाओ। अपने अहंकार को पीसो और रगड़ो मिटाओ, जिससे किसी की बात सुन करके उद्वेग ना आए, उद्वेगहीन मन कर दो। इस प्रकार कोई साधना में लगेगा तो उसको गहरी शांति मिलेगी, जीवन का परम फल मिलेगा। साहब की ये साखी याद कर लो, बाजन दे बाजंतरी तू कल कुकुही मत छेर, तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आपने वेर। बकबक करने वालों को बकबक करने दो, क्यों दूसरे में रचते हो। तुम्हें दूसरे से क्या मतलब, कौन क्या कहता है। अपने आप का निवेरा करो, अपने आप को छुड़ा लो। थोड़ा सा समय है, आजकल में दीपक बुझ जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने को सबसे छुड़ा लो और आत्म शांत प्राप्त कर लो।